गोडाउन हमारा जब भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर हम रखते हैं, यानी दो प्लेस आप बना लेते हो और सामान को दो जगह रखना होता है, दोनों जगह की स्टॉक मेंटेन करना होता है, तो हम लोग गोडाउन का यूज़ करते हैं। गोडाउन जनरली आपका एक लोकेशन है, एक प्लेस है, जिस जगह पर हम सामान को रखेंगे वही प्लेस हमारा गोडाउन कहलाएगा। तो जैसे मैं मान लो हमारा मेन शॉप हो गया, दुकान हो गया, वहाँ पर एक सामान रखोगे, और एक हमारा हो गया कि भाई जब ज़्यादा सामान हो रहा है तो हम कहीं जगह एक दूसरा ले लेते हैं, बड़ा हॉल ले लेते हैं, वहाँ पर सारे सामान को रखते हैं। तो वो जो दूसरा जगह लेकर सामान रखते हैं वो हमारा गोदाम होता है, ठीक है। तो गोडाउन का सामान क्या क्या अवेलेबल है उसको अगर मेंटेन करना है तो हम लोग मल्टीपल गोडाउन ऑप्शन के थ्रू मेंटेन करेंगे। इसको इनेबल करना है तो हम दबाएंगे F11। F11 दबाया, इसमें आपका इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, मेंटेन मल्टीपल लोकेशन। किसी में मेंटेन मल्टीपल लोकेशन या गोडाउन लिखेगा, इसमें आपका लोकेशन दिख रहा है, इसको आपको यस कराना है। वाई दबाकर यस कराया, कंट्रोल ए से आपका स्क्रीन सेव हो जाता है। जब कंट्रोल ए दबाओगे आपका स्क्रीन सेव हो जाएगा। अब एस्केप बटन जब एक बार हम दबाएंगे तो एस्केप दबाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गेटवे एफटीआईली मेनू के अंदर, ठीक है। जब भी आप इन्वेंट्री के अंदर से इनेबल करोगे तो इन्वेंट्री इन्फो में चीज़ें मिलेंगी, अगर आप अकाउंटिंग इन्फो से इनेबल करोगे तो अकाउंट इन्फो में मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। इन्वेंट्री इन्फो में जाओगे तो यहाँ पर देखो लोकेशन करके आपके सामने आ गया, किसी में गोडाउन लिखा हुआ दिखेगा, किसी में लोकेशन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोकेशन पर जाएंगे। डिस्प्ले अगर करते हो तो बाई डिफ़ॉल्ट मेन लोकेशन बना बनाया होता है, यानी पहले से मेन लोकेशन आपका रहेगा। मेन लोकेशन का मतलब हो गया दुकान। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, इसको हम अल्टर करेंगे और मेन लोकेशन को हम लिख देते हैं शॉप, यानी आपका दुकान का सारा सामान इसमें आएगा। तो जितना सामान पहले से अवेलेबल है ऑटोमेटिक इसमें चला आएगा, ठीक है। तो हमने मेन लोकेशन का नाम चेंज कर दिया शॉप में और इसको सेव करा दिया, हमारा मेन लोकेशन चेंज होकर शॉप हो गया। तो शॉप का सारा सामान इसमें दिखाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक लोकेशन और क्रिएट करेंगे, यानी गोडाउन को क्रिएट करेंगे, जो दूसरा जगह है जहाँ पर सारे सामान को हम रख रहे हैं। जैसे मैं अगर फ्रिज की दुकान है, कूलर की दुकान है, तो बड़े सामान होते हैं, जगह ज़्यादा घेरेगा। मेन मार्केट में अगर इतना बड़ा जगह है तो उस कंडीशन में इतने बड़े जगह में अगर 50 पीस मंगाते हो तो चीज़ें नहीं रख पाओगे, यानी 50 पीस फ्रिज, 50 पीस कूलर, ये सारे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे सामान। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 पीस 4 पीस एक सैंपल में रख लेंगे दुकान पर, और बाकी के सारे पीस को हम ले जाके गोदाम में रख देंगे। गोदाम आप कहाँ बनाए, जिस लोकेशन पर बनाए वहीं बना दोगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोकेशन बनाते हैं, सपोज तिखमपुर में हमने एक लोकेशन बनाया, तिखमपुर गोडाउन। तो तिखमपुर गोडाउन बनाया और बनाने के बाद इंटर लगाया। अंडर में आप प्राइमरी रखोगे, जैसे हमने बताया था जो स्टॉक कैटेगरी क्रिएट किए थे, स्टॉक कैटेगरी में क्या था कि एक कंपनी है वो दूसरे कंपनी से रिलेटेड अगर है तो हम उसके अंडर में डालते थे, ठीक है, और अगर नहीं उससे रिलेटेड तो हम इसको प्राइमरी में छोड़ देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो वो वाले वीडियो देख लेना आप, ठीक है, तो उसमें वो डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर हम प्राइमरी डाल देते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहे हैं, आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, यानी किसी दोस्त का, किसी मित्र का गोडाउन है और उस गोडाउन में हम अपना सामान रख रहे हैं, उस कंडीशन में इसको आपको यस करना है कि भैया हमने गोदाम नहीं ले रखा है, गोडाउन जो है हमारा दोस्त ले रखा है, उससे हमने बात कर लिया कि भाई हम सामान अपना रखेंगे, जो भी 2-4 हज़ार है वो ले लेना, उस कंडीशन में आपको इसको यस करना है, ठीक है। दूसरा आपका है कि थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस, आपका गोदाम है और आपके गोदाम में कोई दूसरा दोस्त या मित्र सामान रखवा रहा है कि भाई हमारा सामान रख लो अपने यहाँ, इसको यस करोगे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है कि अगर दूसरे का गोडाउन है आप सामान रखोगे अपना तो इसको यस कराना है, अगर आपका गोदाम है कोई दोस्त आपके वहाँ ला के सामान रखवा रहा है इसको यस कराओगे। ये दोनों में कोई कंडीशन अगर नहीं है, हमारा सामान खुद का गोदाम में रखा जा रहा है, तो इन दोनों को नो रखेंगे, एंटर लगा के सेव करा देंगे। हमारा एक तिखमपुर गोदाम बन गया। इसी तरीके से जहाँ जहाँ गोदाम तुम ले रखोगे वहाँ का नाम बना दोगे, क्लियर है। अब सामान गोदाम में रखेंगे कैसे, जब हम यहाँ से परचेस करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में परचेस करेंगे, परचेस से आप सामान खरीदोगे। जब सामान खरीदोगे तो इसमें आपको दोनों चीज़ों को पूछेगा कि भाई आपको सामान कहाँ रखना है, शॉप पे या गोदाम में। तो हम यहाँ पर मान लो कैश खरीदते हैं, कैश लिया, किससे खरीदा यहाँ पर डाल देते हैं, ABC कंप्यूटर से खरीदा, यहाँ पर ABC कंप्यूटर का स्पेलिंग सही रहेगा तो पूरा डिटेल आ जाएगा, ABC कंप्यूटर डिटेल आ गया।
एबीसी से आपने खरीदा, क्या किया परचेस, अब यहाँ क्या सामान खरीदा, तो मान लो डेल का लैपटॉप हमने खरीदा 5 पीस, तो इसको लेकर एंटर जैसे किया, देखो लोकेशन एक कॉलम यहाँ बढ़ गया है, किसी में गोडाउन लिख कर आएगा, यहाँ पर स्पेस बटन हम दबाएंगे तो लिस्ट आएगा। अब देखो लैपटॉप 0 पीस दिखा रहा है शॉप में, और तिखमपुर गोदाम में भी आपका 0 पीस है। अगर आप खरीद के दुकान पर रख रहे हो तो आप ले लोगे शॉप, शॉप में क्या पीस खरीदा, मान लो 5 पीस खरीदा, 44 हज़ार के हिसाब से 2,20,000 हो गया, 5 पीस आपने तिखमपुर में भेज दिया, तो इंटर लगा के नीचे आपको सेलेक्ट कर लेना है तिखमपुर 5 पीस, रेट ऑटोमेटिक 44,000 आ जाएगा, यानी टोटल आपने 10 पीस खरीदा, जो कि 5 पीस गोदाम में भेजवा दिया और 5 पीस अपने दुकान पर रख लिया, एंटर लगाया, यहाँ पर देखो 10 पीस आ गया, 4,40,000 रुपये आपको टोटल दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपका बैलेंस है 4,09,000 और यहाँ पर आपका 4,40,000 है, तो बैलेंस आपका माइनस में चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल माइनस में ही हम एंट्री कर देते हैं, एंटर लगाइए, उसको हमने सेव करा दिया। सेव कराओगे तो ये सामान हमारा गोदाम में चला गया 5 पीस, और 5 पीस कहाँ चला गया, दुकान पर चला गया। तो जब भी आप परचेस करोगे, अब कोई भी सामान खरीदना है, कैश हो चाहे उधार हो, उधार आपने खरीदा एबीसी से, परचेस किया, क्या खरीदा, तो डेल का ये लैपटॉप खरीदा, क्या पीस, अब कहाँ खरीदा ये पूछ रहा है, तो आपको जहाँ खरीदना है पहले वो लोकेशन लेना है, और फिर जितने पीस खरीदना रेट वो दे देना है। तो हमने शॉप पे रखना है, शॉप लिया 5 पीस 43,500, एंटर लगाया। दूसरा आइटम डेल, ये कीबोर्ड खरीद लेते हैं, कीबोर्ड हमने कहाँ खरीदा, शॉप पे, देखो 15 पीस दिखा रहा है, जो सामान अवेलेबल है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल करने पर मेन लोकेशन में चला जाता है, मेन लोकेशन को हमने नाम बदल के शॉप रख दिया है, तो शॉप में आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पर हमने 10 पीस खरीदा, ये रेट आपका आ गया। फिर अगला आपने माउस खरीदा, अगर डेल का माउस, तो ये भी आपने शॉप पे 7 पीस है, यहाँ पर आपने खरीद लिया 10 पीस, ये आपका रेट आ गया। इस तरीके से बारी बारी जितने आइटम हैं आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ हमको खरीद के रखना है, लोकेशन लेना है, क्वांटिटी रेट भरना है, एंटर लगा के इसको सेव करा देना है। इस तरीके से हमारा गोडाउन के थ्रू सामान को परचेस किया जाता है। सेम यही सेल जब करोगे तो F8 दबाओगे, F8 दबा के हम सेल करते हैं, किसी कस्टमर को कैश बेचते हैं तो कैश करेंगे, यहाँ पर कस्टमर का नाम पूछ के डिटेल भर दोगे, नाम मोबाइल नंबर एड्रेस, एंटर लगाया। अब यहाँ पर आप क्या बेच रहे हो, तो सपोज हम डेल का लैपटॉप बेच रहे हैं, इसको लिया, लोकेशन आपको पूछ रहा है, स्पेस दबाओगे तो देखो आपको दिखा रहा है कि शॉप पर 5 पीस पड़ा हुआ है और जो तिखमपुर गोडाउन है 5 पीस वहाँ पड़ा है। अब बेच कहाँ से रहे हो, जहाँ से बेचोगे हम उसको सेलेक्ट करेंगे, तो सामान वहीं से घटेगा। हम तिखमपुर से बेच रहे हैं, सेलेक्ट करेंगे तिखमपुर, क्या पीस, 2 पीस, रेट हमने कर दिया 46,500 रुपये, एंटर लगाया, एंटर लगा के सेव करा दिया। ये हमारा 46,500 रुपये के हिसाब से 93,000 रुपये आ गया, ये हमारे बैलेंस में ऐड हो जाएगा। तो आपको जब भी सेल करना है तो आप गोडाउन सेलेक्ट करना है, क्लियर है। इस तरीके से गोडाउन के थ्रू सामान को हम लोग परचेस करते हैं, गोडाउन के थ्रू सामान को बेचते हैं, ठीक है। अब बात रहा कि भाई इसका रिपोर्टिंग देखना है, कौन कौन से सामान गोदाम पे पड़े हैं, कौन कौन से सामान यहाँ पड़े हैं। आपको गोदाम जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप टैली में ही देख लोगे गोडाउन की रिपोर्टिंग। गोडाउन रिपोर्टिंग में सारा डिटेल आपको वहाँ दिखाएगा, इसके लिए आपको बैक जाना है। रिपोर्टिंग हमने बताया था कल आपको कि डिस्प्ले के अंदर आपका रिपोर्टिंग सारा बनता है। जब डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में आपका यहाँ पर दे रहा है इन्वेंट्री बुक, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, इसमें देखो यहाँ पर आपको लोकेशन दिखा रहा है, लोकेशन में जाएंगे, लोकेशन में पूछ रहा है कि शॉप का देखना है या तिखमपुर का देखना है। हमको तिखमपुर का देखना है कि क्या क्या गोदाम में पड़ा है, इसको खोला, कंप्यूटर ग्रुप है इसको खोला, इसके अंदर डेल का लैपटॉप केवल आपका 3 पीस पड़ा हुआ है, यानी आपने लैपटॉप रखा है गोदाम में। जितने आइटम होंगे यहाँ लिस्ट एकदम बन जाएगा, जैसे स्टॉक समरी देखते हैं तो लिस्ट दिखाता है, वैसे यहाँ पर बन जाएगा। 2-4 सामान और परचेस करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग वाउचर से परचेस करते हैं, कैश और कैश ने उधार खरीद लेते हैं। एबीसी से खरीदा, क्या खरीदा, तो यहाँ से हमने कीबोर्ड ले लिया तिखमपुर गोदाम पे 10 पीस। अगला आइटम हमने ले लिया TVS का माउस ले लिया तिखमपुर में 10 पीस। अगला आइटम ले लेते हैं आपका माउस ले लेते हैं तिखमपुर पे 10 पीस, ठीक है। अगला मान लो पेन ड्राइव ले लिया, पेन ड्राइव ले लिया 10 पीस, तो ये कहाँ लेना है, तिखमपुर पे 10 पीस। अगला फिर हमने लिया पेन ड्राइव 32 GB है, 16 GB ले लिया, कहाँ, तिखमपुर 10 पीस। ये सारे आइटम हमने तिखमपुर में दिखा दिया, ये सारा आइटम हम कहाँ भेज रहे, गोडाउन में।
गोदाम में दिखाया, इंटर लगाया, इंटर लगा के इसको हमने सेव करा दिया। अब इसकी रिपोर्टिंग देखना है तो बैक आएंगे, बैक आने के बाद हमको जाना है डिस्प्ले में, डिस्प्ले के अंदर जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, जिसमें से आपका इनेबल होगा उसी में हर चीज़ बन कर आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, यहाँ लोकेशन दे रहा है, किसी में गोडाउन लिख कर आएगा, किसी में लोकेशन, आपने यहाँ लोकेशन खोल लेना है। तिखमपुर में क्या क्या सामान पड़ा देखना है तो तिखमपुर खोलना है, अल्ट F1 से डिटेल खुलता है। ठीक है, अगर ग्रुप होता है तो अल्ट F1 से डिटेल आता है उसके अंदर का, या इसको इंटर लगा के देख लो। अब यहाँ पर डेल का 3 पीस लैपटॉप पड़ा हुआ है, कीबोर्ड पड़ा है, माउस पड़ा है, जो जो सामान जितने आपके गोदाम में है यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो अवेलेबल स्टॉक आपको दिखाएगा। वही शॉप में देखना है तो F4 दबाओ, F4 से चेंज कर लो यहाँ पर शॉप, शॉप को इंटर लगाइए, सारे शॉप के हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर लोकेशन दिखा रहा, लोकेशन शॉप यानी शॉप का सामान है। F4 दबाया, यहाँ से आपने तिखमपुर कर लिया तो यहाँ पर देखो लोकेशन हो गया तिखमपुर। इस तरीके से हम लोग रिपोर्टिंग देखते हैं। ये हमारा कहलाता है गोडाउन, सामान को दो जगह मेंटेन करना।